एक्सरसाइज था वन बी चल रहा
3 is not less 2, 2, 4, then 3, 2. Not belongs to R. Then R, therefore R is not symmetric. Let A be and B C belongs to R. A less to equal B and B less to equal C. Connect matlab A less equal to C. Yani and AC belongs to R. इसमें ये था दो कि ये बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल यहां दिया हुआ क्वेश्चन था आर इक्वल सेट ऑफ ए एंड बी सो दैट ए इज लेस टू इक्वल बी. अब हमें ये प्रूव करना था कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. इसके लिए देखिए हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर स्मॉल दैन इज या इक्वल दैन इटसेल्फ. यानी कहने का मतलब हुआ कि x x बिलोंग्स टू R, ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू A. रिफ्लेक्सिव की कह रहा सिमेट्रिक में 2 लेस देन 3 यानी 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 नॉट लेस टू 2 अब यह 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसलिए जो है वह सिमेट्रिक नहीं हुआ. थर्ड में A A B एंड B C बिलोंग्स टू R, A लेस टू इक्वल B एंड B लेस टू इक्वल C, तो A कहने का मतलब हुआ A लेस टू इक्वल C बिलोंग्स टू R, इसलिए एक ट्रांजिटिव. ये हमें खाली प्रूव करना था जो कि ये किया. नेक्स्ट relation R in the R defined as R set of A and B such that
a less to equal b square, b cube is neither reflection nor symmetric nor transitive, यानी न ये तो symmetric है न transitive है और ना reflexive। अब जैसे reflection के लिए अभी यहाँ ही दिया हुआ है R set of A and B such that A less to equal B cube। अब एक एक करके इसको शो करेंगे। जैसे देखो यहां आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में R equal set of real number, R क्या है, real number का set है, ठीक है। अब जब real number का numbers का set है तो and और दिया है R equal to set of such that A less to equal B cube, ये आपको दिया। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट रिफ्लेक्सिव क्लियर करना है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अपन लिखते हैं 1/2 लेस इक्वल 1/2 का क्यूब, यहाँ दिया था ये क्यूब, अगर हम क्यूब इसका करेंगे तो 1/2 कितना आएगा, 8 आएगा। वह जो है इससे 1/2 इज नॉट लेस देन 1/8, करने का मतलब क्या होगा कि यह जो है विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं। तो जब करने का मकसद 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, जब आर की बिलोंग्स नहीं करता है यहाँ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव लिखते, नॉट रिफ्लेक्सिव ये सिमेट्रिक के लिए। देखो सेकेंड नंबर आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए वायर इज लेस टू क्यू इक्वल यानी 1/2 बिलोंग्स टू आर, टू ले नॉट लेस 1/3, ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 2/1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं। जब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ यहाँ पर लिख दीजिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, थर्ड। अब थर्ड ने ट्रांजिटिव, थर्ड ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव के लिए देखो थ्री इज लेस थ्री अपॉन टू का क्यूब मीन्स थ्री एंड थ्री अपॉन टू बिलोंग्स टू आर यू. अब थ्री अपॉन टू अपॉन टू लेस सिक्स अपॉन फाइव क्यूब इक्वल थ्री अपॉन टू सिक्स अपॉन फाइव बिलोंग्स टू आर. या थ्री इज ग्रेटर सिक्स अपॉन फाइव क्यूब इक्वल टू थ्री सिक्स अपॉन फाइव नॉट बिलोंग्स टू आर नॉट बिलोंग्स टू आर तो आर इज नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फाइव सो दैट द रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर्स इज ट्रांजिटिव. यहाँ पर खाली हमें ट्रांजिटिव का रिलेशन प्रूव करना है. यहाँ एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्वेश्चन में है आर इज लेस देन ए दिया हुआ है. लेट ए बी सी बिलोंग टू एन एन मीन्स कैपिटल एन नेचुरल नंबर ए लेस टू इक्वल लेस बी एंड बी लेस सी देन ए लेस टू सी. क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा है कि सो दैट रिलेशन इज लेस इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ट्रांजिटिव. इसके लिए लेट कर लो लेट एन बी द सेट ऑफ all natural numbers n क्या है all natural number का set है. तो करने का मतलब होगा let a b c belongs to n belongs to a natural number. तो कहने का मतलब क्या होगा देखो now a less to b b less to c then a less to c हो जाएगा. a की वैल्यू b से कम है और B की वैल्यू C से कम है तो कहने का मतलब A की वैल्यू C से कम होगी. ठीक है तो C
जी ने ए आर बी एंड बी आर सी इक्वल टू ए आर सी, यानी आर इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रूव करना था कि यहाँ पर एन को उन्होंने ये दिया हुआ था कि आर जो है नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अब हमने यहाँ आपको शो किया कि ए इज लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो कहने का मतलब हुआ ए लेस देन सी। अब जो है यहाँ पर ए आर बी बी आर सी आर एस ट्रांजिटिव, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा। फिर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट द रिलेशन इज लेस देन शो करना, इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ट्रांजिटिव एंटी सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो मान लो लेट ए बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिया है आपको आर इज लेस देन, ये दिया एंड ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब फर्स्ट आर ए एंड A less to C. यानि A और C A B C belongs to A। तो क्या हो गया, R is transitive। अब सेकेंड पूल्स बोला तो नॉट एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक के लिए ए लेस टू बी देन
यानि ए आर बी ए इक्वल टू बी इफ मिली तब हो जाएगा आर इज एंटी सिमेट्रिक थर्ड में ए आर ए यहाँ पर आपको रिलेशन में रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था और सिमेट्रिक था, ये प्रूव करना था कि यह रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या नहीं है। जिस टाइप का क्वेश्चन था उसी ने उनको दिया। अच्छा, सेकंड जो फंक्शन है, चैप्टर फंक्शन, इसमें आपको दिया है इफ ए सेटअप 2 3 4 5 9 तक गिवन बाय द आर इक्वल सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डिवाइड वाई देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब रिलेशन आर इज आर की वैल्यू दिया हो गया, रिलेशन निकालेंगे आर डोमेन में हो जाएगा 2 से लेके 9 ए रेंज रहेगा दोनों सेम तो डोमेन और रेंज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। यहाँ पर रेंज आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है और डोमेन भी 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम रेंज लिखेंगे तो रिलेशन 2 2 2 4 2 2 6 2 8 3 3 3 6 3 9 4 4 4 8 5 5 6 6 7 7 8 8 and 9। इसमें ये हमें देना था कि x डिवाइड टू y, x जो है y को डिवाइड करेगा, तो हमें वही रिलेशन लिखना है, वही लिखना है जो y को डिवाइड करना है। जैसे 2 2 तो 2 डिवाइड बाय 2 या 2 4 यानी 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, 2 6 6 डिवाइड बाय 2 8 डिवाइड बाय 2 तो, या 3 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 6 माने जो डिवाइड हो रहे हैं x डिवाइड y।
ये हमें लिखना है। तो डोमेन आपका क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8। अब रेंज आज क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो डोमेन और रेंज ही क्लियर होगा। इसके बाद दिया एफ आर सेट ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट इज अ रिलेशन ऑफ नेचुरल नंबर एन, फाइंड वैल्यू ऑफ रेंज, रेंज की वैल्यू निकालना है। ठीक, जब यहाँ दिए हुए क्वेश्चन देखो, R इक्वल दिया है सेट एक्स वाई का मान सच दैट एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट, ये आपको दिया गया, जिसमें एक्स वाई belongs to n, n का natural number, ठीक है। अभी यहाँ पर range find करना है, देखो x plus 2y equal to 8 या y equal आ जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक, अब जब एक्स की वैल्यू पुटिंग एक्स की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 8 माइनस 2 अपॉन 2 यानी 3। अगर एक्स की वैल्यू 4 रख देते हैं तो 8 माइनस 4 अपॉन 2 कितना होगा, 2। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 अपॉन 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरह से 3 2 1 ये आया। अब आपका हो गया x एंड y belongs to natural number 3 2 1 natural number, then r equal हो गया, r आपका आ गया set of 2 3 2, set क्या आया देखो 2 3 4 2 6 1, यह जो है आपका आर। Yeah.